फ्रेंड्स, आज आप लोगों को तो बहुत ही इजी रेसिपीज बता रही हूँ और ये बच्चों की डिमांड पे मैं बना रही हूँ। दोनों बहुत आसान है, एक है गुलाब जामुन रसगुल्ले और दूसरी है राज कचौड़ी। बहुत ही अच्छी बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगी, आसान है, जरूर ट्राई करिएगा। तो जो गुलाब जामुन है वो मैं घर में खोया निकालूंगी, मावा जिसको बोलते हैं उससे बनाऊंगी। उनको मैं अभी बना के रख दूंगी क्योंकि अभी मैंने लंच वगैरह का काम कर लिया है, क्योंकि और उन्हें फूलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और राज कचौड़ी रात में बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं रसगुल्ले। ये देखिए, दाल मैंने अभी भिगो के रख दी थी। खोए को मैं ज़्यादातर घर पर ही बनाती हूँ, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो मैंने ये खोया बनाया है और साथ में है पनीर। ये एक्चुअली मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था इसका वेट कितना है, तो जब मैंने पनीर मंगाया था तभी खोए का भी वेट करा लिया था। तो 300 ग्राम के करीब तो खोया है और 100 ग्राम के करीब पनीर है। और ये जो है, वैसे मैं जो लेती हूँ वो तीन पार्ट तो लेती हूँ खोए का और एक पार्ट लेती हूँ पनीर का। तो सबसे जो ज़रूरी स्टेप है वो है कि इनको बहुत अच्छे से मसलना है, हथेली की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको चिकना करना है। और उसके बाद हम इसमें मिला लेंगे करीब आधा कप मैदा, और वही सेम स्टेप है, खूब अच्छे से हाथों की मदद से इसे मसलना है। तो जब हम इसे मसलते हैं तो ये जो है बिल्कुल चिकना हो जाता है और इसका साइज़ भी आप देखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये हल्का हल्का सा दिखता है, कोई भी दाना इसमें नहीं रहे। तो अगर आप इसे अच्छे से मसल लेंगे तो जो आपके रसगुल्ले हैं वो बहुत ही मुलायम, बहुत ही स्पंजी और बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, आटा तैयार हो गया। लोई बना के देखी तो कोई भी क्रैक नहीं है, इसका मतलब आटा अच्छे से जो है मसल लिया है। और अब हम तैयारी करेंगे चाशनी बनाने की। तो भगोना जो लीजिए वो थोड़ा सा बड़ा लीजिए, क्योंकि गुलाब जामुन या रसगुल्ले थोड़े फूलते हैं, तो इसलिए कोई भी बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें चाशनी बनाइए। तो मैंने लिया है 3 कप के करीब पानी और इसमें 3.5 कप जो है मैं चीनी लूंगी। वैसे तो बराबर भी आप रेशियो रख सकते हैं पानी और चीनी का, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के चीनी को रखिए और इसे जब तक उबाल आ जाए, जब तक ये बॉयल हो जाए तब तक इसे जो है गैस पे चढ़े रहने दीजिए। और साथ के साथ मैंने जो है थोड़े से मेवे कट कर लिए यहाँ पे, जो कि मैं रसगुल्लों के अंदर भरूंगी। और लगातार चलाते रहिए, नहीं तो चीनी जो है चिपक जाती है बर्तन में। और इस तरह से जब ये बॉयल हो जाती है चाशनी, तो इसे करीब 2 से 3 मिनट तक, करीब 2 मिनट तक उबलने दीजिए। कोई भी चाशनी बहुत एक तार या दो तार की नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी चाशनी हमें इसकी तैयार करनी है। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया हरी इलायची, यानी छोटी इलायची का 1 चम्मच जो है पाउडर। और मैंने 2 पार्ट में चाशनी को कर लिया क्योंकि मैं 2 तरीके के रसगुल्ले बनाऊंगी। और अब बनानी है रसगुल्ले की गोलियां। तो एक तो नॉर्मल गोल बनती हैं, लेकिन मैंने 2 तरह से बनाने हैं, तो थोड़े से लंबे वाले भी मैंने बनाए ये, और जो गोल वाले थे उसमें थोड़ी सी मैंने जो है बीच में मेवा भर दी और इस तरह से जो है इसकी भी बॉल बना ली। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी क्रैक ना दिखाई दे, कोई क्रैक इसमें ना हो। और इस तरह से सारे तैयार कर लिए। हाँ, एक कमेंट है जो आप लोग पूछते हो कि किचन की टाइल्स में कुछ गंदगी सी दिखाई देती है। एक्चुअली ये इसका डिज़ाइन ही है टाइल्स का। जब मैंने किचन प्लान करी थी, थोड़ा सा एक लुक प्लान किया था, लेकिन वो नहीं बन पाया। और ये टाइल्स तो जैसी कंपनी ने लगा के दी वही है, तो ये मुझे भी पसंद नहीं है, जल्दी ही इन्हें हटवाऊंगी, अभी थोड़ी सी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से मैंने सारे ये रसगुल्ले तैयार कर लिए। लंबे वाले जो रसगुल्ले हैं ना, ये मेरे फादर इन लोग को बहुत पसंद थे, अब वो इन्हें बहुत खाते थे और इतना ही उन्होंने खाए हैं कि इसी से उन्हें जो है डायबिटीज़ हुई थी। तो इस वजह से मैंने आज थोड़ा सा सोचा कि चलो वो डिज़ाइन भी बनाते हैं। और दोनों ही तैयार हो गए और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए और लगातार हिलाते रहना है रसगुल्लों को, क्योंकि अगर आप इन्हें हिलाएंगे नहीं ना, तो ये एक साइड से ही जो है जल से जाते हैं और बाकी साइड से थोड़ा सा फूल से जाते हैं। तो लगातार इन्हें हिलाते रहिए और इन्हें जिस कलर में भी आप थोड़ा सा डार्क कलर में चाहते हैं तो उतना फ्राई करिए, और इन्हें लगातार आप जो है चाशनी में, गर्म चाशनी में डालते रहिए। तो देखिए, इस तरह से हिलाते रहना है और बड़े ही आराम से ये जो है रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। और कलर आपके ऊपर है, और लगातार गरम चाशनी में मैं डालती रही और दोनों तरीके के जो रसगुल्ले हैं वो मैंने तैयार कर लिए। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होगी तो रसगुल्ले फूलेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरे तरीके के भी मैंने जो है बना लिए रसगुल्ले, और दोनों रसगुल्ले जो हैं अब तैयार हो गए हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अब इन्हें ढक के रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है ये फूल जाएंगे। तो अब मैंने किचन विचन साफ कर दी है और अब जो मैं करूँगी आगे का काम।
आज शानू बाहर गया था तो वो केक लेकर आया, उसे केक बहुत ज्यादा पसंद है, उसे बस बहाना चाहिए केक का। तो 400 के का अभी जो सेलिब्रेशन तो हमने कुछ नहीं किया था, 400 के लिए वो केक लेकर आया, सरप्राइज सा उसने मुझको दिया। हालांकि मैं उसे बाहर जाने को काफ़ी मना करती हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन आज उसे मौका मिला तो वो ले ही आया। असल में बच्चों को ना ये सारी चीज़ें, जैसे मुझे खुशी होती है उतनी ही खुशी मेरे बच्चों को भी होती है, क्योंकि बच्चों के कहने पर ही मैंने चैनल स्टार्ट किया और आप लोगों ने उस काम को पसंद किया। तो बच्चे थोड़ा सा फ़ख्र महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, तो मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं कुछ लाइफ में ऐसा कर रही हूँ जिससे जो है बच्चे के अंदर ये फील आ रही है। क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ मेरे जो मैं महसूस करती हूँ वो बच्चों को और फैमिली को खुश रखने के लिए, हालांकि मैं अपना भी बहुत ध्यान रखती हूँ। तो जब बच्चे कुछ ऐसा कहते हैं ना तो वो थोड़ा सा टच करता है, बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोगों के भी कमेंट्स आते हैं कि आप हमें इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, तो वो चीज़ें भी मुझे बहुत टच करती हैं। तो जैसे मैंने बच्चों को थैंक यू बोला, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे सारे दोस्तों को बहुत 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 थैंक यू। और ये तो एक ऐसा फॉर्मल सा शब्द है जो जाने कितनी बार हम कह सकते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझसे ये कहा कि उन्हें मेरे ऊपर गर्व है। तो इस चीज़ की मतलब बच्चों के मन में ये चीज़ लाने के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो केक तो हमने सबने खा लिया, लेकिन आप लोग रसगुल्ले बना के ज़रूर खाइएगा। और जो नेक्स्ट डिश अब मैं रात को बनाऊंगी बच्चों के लिए वो है राज कचौड़ी की। तो अब चलती हूँ, अभी तो थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद जो है बनाऊंगी रात में खाना। तो आप लोग दोनों डिश ज़रूर बना के खाइएगा। और अगेन फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। राज कचौड़ी बनाने के लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, बनाने के लिए भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मैंने ली 2 कप मैदा और करीब आधा कप सूजी, और इनको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, करीब 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और इसका एक आटा गूंद लेंगे, जैसे पूड़ी का आटा आप गूंदते हैं, थोड़ा सा मुलायम आटा इसका गूंदेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, जैसे पूड़ी का आटा है बिल्कुल उसी तरीके से इसका आटा गूंद लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो मुझे दही बड़े बनाने थे ना इसकी फिलिंग के लिए, तो मैंने दोपहर में ही दाल भिगो दी थी, उसको मैंने पीस लिया। और अब फ्राई करेंगे, तलेंगे अपनी राज कचौड़ियों को। तो वो तो पूड़ी की तरीके से बननी है, बस थोड़ी सी चीज़ है जो इसमें ध्यान रखनी है और बताती रहूँगी साथ के साथ। जैसे हमें जो जितनी बड़ी भी आप बनाना चाहें उतनी बड़ी लोई लीजिए, ये तो सब आपको सबको अंदाजा है। इसे 2 तरीके से बेल सकते हैं, इसे बिना आटा लगाए भी बेल सकते हैं और आटा लगा के भी बेल सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे अगर आप बिना आटा लगाए बेलें तो पहली चीज़ ध्यान देनी है कि इसको बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में कट करिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे आपको पता चल जाएगा। और इसे बहुत मतलब पतला बेलना है और एक सार बेलना है, बिल्कुल एक जैसा ही हो, सारी राज कचौड़ियाँ जो हैं बिल्कुल प्लेन हो। तो बस ध्यान रखना है कि कट करना है ताकि गोल बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉल जैसी जो है राज कचौड़ी बने, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मार्केट की हैं। तो ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा, गोलाई का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिंपल तरीके से तलेंगे, दबा के ऊपर से जैसे पूड़ियाँ फुलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, आसानी से फूल जाती हैं, बिल्कुल बॉल की तरीके से ये बनेंगी। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये तल जाएंगी। अब देखिए ये मैंने कट नहीं करी गोले से जो है कटोरी से, तो देखिए इसकी शेप कितनी ख़राब आएगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल पूड़ी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये फूल तो गई लेकिन देखिए किनारे इसके बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं परफेक्ट, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, जैसे अच्छा नहीं लगेगा, बस मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसे कट ज़रूर करिए। और जो थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा हम मिलाते हैं उसकी वजह से जब आप इसे तलेंगे तो ये थोड़ी सी पीली सी हो जाती हैं, आपको ये पीला सा रंग दिखाई देगा क्योंकि ये है ही, इसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है। मैंने ऑयल को ट्रांसफ़र कर लिया अपनी आयरन की कढ़ाई में, क्योंकि इसका जो नीचे का बेस है वो चपटा है और ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं और ऑयल नहीं डालना चाहती थी, तो मैंने अपनी आयरन की कढ़ाई में ही अपना सारा जो ये ऑयल है ट्रांसफ़र कर लिया। मुझे एक्चुअली जो है दही बड़े अब एक्चुअली तलने हैं और पूड़ियाँ तो काफ़ी सारी मैंने बना ली हैं, इससे बच्चे आज भी खाएंगे और कल सुबह भी देखिएगा ब्रेकफास्ट में ही खाएंगे। तो मैंने ये दही बड़े देखिए बना लिए और साथ के साथ इन्हें गरम गरम जो है पानी में हम रखते चले जाएंगे।
इस तरह से देखिए ये पानी में हो जाते हैं, आलू भी कट कर लेंगे क्योंकि फिलिंग की चीज़ें हैं। और इसके बाद अब तैयारी करते हैं, सारा सामान इकट्ठा करना है तो सारे सामान को अब इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, देखिए क्रिस्पी बिल्कुल बन गई। नमक हुआ, मेवे हुए, अनार हुए, दही को थोड़ा सा मीठा कर लिया है, हरी चटनी, सौंठ हुई, आलू हुए, आलू कट कर लिए हैं छोटे छोटे पीस में, और दही बड़े हुए, इन सब को अब भरेंगे राज कचौड़ी में अपनी। और इसके अलावा आप बॉयल चने डाल सकते हैं, मूंग की दाल को भिगो के उबाल सकते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ी सी जो दाल मोट होती है, नमकीन होती है, वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से राज कचौड़ी की फिलिंग तैयार कर लेंगे बढ़िया तरह से। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही थी कि मैंने जो सबसे पहली डिश सीखी थी बनानी वो थी जो गोलगप्पे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल उसी तरीके से राज कचौड़ी और गोलगप्पे मेरे बहुत अच्छे बनते हैं। और ये ऊपर से डाल दिए अनार, इसमें अनार का कलर बहुत अच्छा होता है और ये एक ऐसा फ्रूट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और अच्छे से लगते हैं। दही वगैरह डाल के एक खूबसूरत सी राज कचौड़ी तैयार हो गई। और हालांकि बच्चों ने अभी एक एक दो दो खा ली हैं तो मैंने उनसे कहा रुक जाओ, एक अच्छी सी मुझे बना लें दो ताकि मैं सबको अपनी फ्रेंड्स को बता तो सकूँ। तो मैंने राज कचौड़ी बना दी। अब डाइनिंग टेबल पर सारा सामान धीरे धीरे लेकर आ रही हूँ। मेरे जो रसगुल्ले हैं वो भी देखिए फूल गए हैं, साइज बड़ा हो गया है इनका और काफी मुलायम भी हैं। और मैंने जो लंबे वाले रसगुल्ले बनाए हैं उनके अंदर जो है कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं भरे थे, वो प्लेन हैं। और इस तरह से मेरे बच्चों का एक पसंदीदा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत आसान है बनानी। और हाँ, ये एक टाइम के बाद दूसरे टाइम भी चल जाती हैं तो ब्रेकफास्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसी लगी हैं बनने के बाद, आपको खाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से बच्चों के साथ बैठ के खाया बढ़िया सा एक डिनर, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।